हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सहूलत कंप्यूटर एकेडमी चैनल। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर। फ्रेंड्स, आजकल ये एक इंपॉर्टेंट सी बात हर जगह दोहराई जाती है कि हम कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं। 32 बिट और 64 बिट में हम बुनियादी फ़र्क को आज पढ़ेंगे। हमारी वीडियो के अंदर आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रही हैं इंतहाई मुफीद वीडियो जो आपके कंप्यूटर का नॉलेज बढ़ाती हैं। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम 32, 42, 46 बोर्ड की तरफ जाएं, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। कंप्यूटर का प्रोसेसर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि वो एट ए टाइम कितने टास्क कर सकता है, ये डिफाइन होते हैं। आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखा है कि आप एट वक्त एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। जब आप दूसरा काम करते हैं तो आपका पहला करने वाला काम नॉर्मली स्लो हो जाता है। इसके बरक्स प्रोसेसर, अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसर हैं जो कि एट ए टाइम दो या दो से ज्यादा काम भी कर रहे होते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोसेसर की दो कैटेगरीज होते हैं, 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं वो अपनी बिट के ही हिसाब से होते हैं, कि हम पहले डिफाइन करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कितनी बिट का है, इस हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हैंडल करता है। यहाँ पे एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर 1990 और 2000 के दरमियान जितने भी बने हैं वो सारे के सारे 32 बिट सिस्टम थे। 32 बिट सिस्टम से मुराद ये है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो वो रैम में की मौजूदा मेमोरी जो होती है उसकी 2x32 बाइट को प्रोसेस कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम बात करें 64 बिट की, तो 64 बिट में यही वैल्यू 2x64 अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी वैल्यू निकल आती है। व्यूअर्स, चूंकि ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको सारा समझा दूं। अब मसला ये है कि आप 64 बिट प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहेंगे या 32 बिट, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अब आप यकीनन जानना चाहेंगे कि 32 बिट प्रोसेस होती कैसे है। तो रैम के अंदर एक स्पेसिफिक मेमोरी होती है, उसी मेमोरी को रैम टेकअप करती है और वो एक टेम्पररी रजिस्टर फाइल बनाती जाती है। वो जितनी फाइल बनती हैं वो कंप्यूटर के काम के दौरान उनको वो इंस्टेंटली यूज कर लेता है, उसको बार बार उस सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाना पड़ता। आगे हम बात करते हैं कि क्या 64 बिट शुरू से ही कंप्यूटर के अंदर था, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने XP 64 बिट रिलीज की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आए। जो सबसे बड़ा इश्यूज था वो 64 बिट विंडो के अंदर ड्राइवर का था, और जितने पुराने सॉफ्टवेयर थे उनकी कंपेटिबिलिटी का इश्यू था उसमें। तो हुआ यूं कि माइक्रोसॉफ्ट को जल्द जरूरत महसूस हुई कि उनने एक नई विंडो बनानी जरूरी समझी। इस हिसाब से फिर विंडो XP की प्रमोशन आगे देखते गए, इसके वर्जन आते गए, और फाइनली हमारे पास एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग विंडो विंडो 7 आ गई। विंडो 7 के अंदर भी सेम यही प्रोसेसर का इशू था। विंडो 7 32 बिट आई और 64 बिट आई, और ये दोनों चीजें वहां पे आकर डिफाइन होना शुरू हो गई। अब अगर मैं सफेद की बात करूं कि 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर काम कैसे करते हैं, 32 बिट प्रोसेसर सेम उसी रैम को ही हैंडल कराते हैं अपना डेटा। कैसे? एक प्रोग्राम चल रहा है वो 32 बिट का है, तो वो अपनी रैम को 2x32 पावर अगर आप लगा लें बाइट, तो वो इतनी बाइट को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। सेम प्रोसेसर आपका जितनी मर्जी स्पीड का हो उसके अंदर बिट इतना इंपॉर्टेंट है। अगर वो 64 बिट का है तो वो उसी हिसाब से अपनी मेमोरी को डिफाइन करेगा, 2x64 बाइट। तो ये आपके लिए समझना इंतहाई आसान हो जाएगा कि आप इसको किस तरह प्रोसेस कराना चाह रहे हैं।
व्यूअर्स, अब अगर मैं बात करूं आपके सामने रजिस्टर की, 32 बिट और 64 बिट में रजिस्टर क्या चीज होती है, तो रजिस्टर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो बड़ी जल्दी से तमाम फाइल की लोकेशन को एक्सेस कर लेता है जो कंप्यूटर प्रोसेस उस वक्त परफॉर्म कर रहा होता है। इसी दौरान मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बात बता दूं कि अगर मेजर डिफरेंस की बात की जाए कि 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस क्या है, तो आपके समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो 64 बिट होता है वो जितने भी ड्यूल कोर प्रोसेसर है हमारे, जितने भी ड्यूल कोर प्रोसेसर हैं उनके बाद बाद जितने भी प्रोसेसर आए हैं इंक्लूडिंग ड्यूल कोर, उन सारे के अंदर 64 बिट की कैपेबिलिटी मौजूद है। तो मैंने एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर एक इंटरनेट से उठाई हुई इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपको दी है। इस इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ भी लें, इस इन्फॉर्मेशन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वो स्पेशली कंप्यूटर स्टूडेंट जो चाहते हैं कि कंप्यूटर की बेसिक सीखें, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यूअर्स, आई होप आप सेफ रहेंगे, हमारी दुआ भी है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, बाय बाय।